नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि अब राजस्थान की ज्योग्राफी में नया भूचाल आ चुका है। 50 जिले और 10 संभागों को अब पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात कि क्या पढ़ें, कौन सी चीज पढ़ें, क्या पढ़ें, किस प्रकार पढ़ें, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए पूरी कोशिश करेंगे आप और मैं मिलकर कि हम इन संभाग जिले बने हैं, कैसी सीमा कैसे निर्धारित है, वो सारी चीजें छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि एक एक चीज हमें समझ में आ जाए। वैसे हमने लगभग सारी चीजें पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें जो हमें दोबारा कंठस्थ करनी है क्योंकि जो रट्टा पहले लगाया था है। आज मैं चर्चा करूंगा स्पेशल और स्पेशल नए जो संभाग बने हैं और जो पुनर्गठित संभाग हुए हैं उनके क्वेश्चन लेके आए हूँ, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ताकि एक एक प्रश्न आपको समझ में आ जाए। वैसे वीडियो मैंने डाल दिया, फिर भी आपको अलग से प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अब अगले मान के चलो 6 महीने साल तक जो पेपर होंगे ना, उनमें क्वेश्चन सारे के सारे कैसे आएंगे, वही वो पर्सन आएंगे, राजस्थान की स्थिति विस्तार, जिले, कौन सा संभाग, कौन सा जिला किससे अलग हुआ है, बस यही है ज्योग्राफी के अंदर। और ज्यादा ज्योग्राफी के दूसरे पर्सन आने के कम चांस है, पर्सन आएंगे सबसे ज्यादा यही है। देखो पाली, जालोर, सांचौर और ऐसे करके 50 जिले बन गए। आज इस वीडियो के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन संभाग की चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नया चैनल है ये नानक क्लासेस शिवसर नाम से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सहपाठियों में शेयर जरूर कर देना। करें स्टार्ट नए संभाग पुनर्गठित संभाग। पहला प्रश्न देखो, आज सुबह करंट की क्लास में मैंने दे दिया, 4 अगस्त 2023 को राजस्थान में संभागों का गठन व पुनर्गठन किया गया, इनमें असत्य कथन बताइए। देखो ये जिले बना दिए, 4 अगस्त को इनकी अधिसूचना जारी हुई, 7 अगस्त को इनके उद्घाटन होंगे। सभी जिलों के जिला प्रभारी है वो 7 अगस्त 2023 को क्या संभाग और क्या जिले इनके उद्घाटन कर देंगे और ये अस्तित्व में आ गई। देखो जयपुर और अजमेर संभाग में 7-7 जिले आते हैं, बिल्कुल अब इतने दिन 7 संभाग पढ़े थे कि सबसे ज्यादा जिले उदयपुर और जोधपुर में 6-6, जयपुर में 5 है, बाकियों में 4-4 है। अब बहुत सारी चीजें परिवर्तन हो गई और ये एक साथ दिमाग में डिप्रेशन लेने से नहीं पढ़ी जाएगी, बिलो भी दिमाग क्या करें क्या कुछ नहीं, आराम से जैसे उनको पढ़ा था इनको भी हम पढ़ लेंगे। परिस्थितियां आती है, हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने विषम परिस्थितियां आती है, परिवर्तन भी जरूरी है, कठिनाई भी होती है, इसलिए कठिनाई आएगी तो हमें एहसास होगा, हम उतनी जीत तोड़ के मेहनत करेंगे। तो जयपुर और अजमेर संभाग में 7-7 जिले, भरतपुर और जोधपुर में 6-6 जिले, भरतपुर और जोधपुर में 6-6 जिले, उदयपुर संभाग में 5 जिले और बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले, सीकर, बीकानेर, कोटा और पाली संभाग में 5-5 जिले। तो ये क्या हो जाएगा, इसने पूछा है असत्य बताना है। सीकर, बीकानेर, कोटा और पाली इनके अंदर 4-4 संभाग आएंगे, इतने 4-4 संभाग आएंगे। पहला प्रश्न तो आपको ये याद रखना है, टोटल संभाग कितने, 10 संभाग। देखो अब एक एक संभाग की मैं चर्चा करूंगा, पहले ये क्लियर हो गया, जयपुर और अजमेर में 7, भरतपुर जोधपुर में 6-6 जिले, उदयपुर में 5, बांसवाड़ा में 3, सीकर, बीकानेर, कोटा, पाली में 4-4 जिले। दूसरा प्रश्न देखो, 4 अगस्त 2023 को राजस्थान में संभागों का गठन और पुनर्गठन किया गया, उनमें कौन सा शामिल नहीं है। पहले तो आपको ये बताना चाहिए 10 संभाग कौन से और 50 जिले कौन से, पहला ही नंबर पर तो प्रश्न वहां से पूछेंगे, लगातार 4-5 एग्जामों में तो यही आएंगे नॉर्मल। सीकर भी संभाग बनाए, पाली संभाग बनाए, बांसवाड़ा बनाए, भीलवाड़ा संभाग नहीं है, ध्यान रखना। जयपुर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है, अब आपने पढ़ लिए सारे, अब यहाँ से आपको चीजें पढ़नी है। सबसे पहले बात की है जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, हम पढ़ के आए हैं अभी, देखो 7 जिले आते हैं जयपुर संभाग में, टोटल जिले कितने आते हैं 7। जयपुर संभाग में झुंझुनू आता है, दुदू आता है, खेरथल आता है, अलवर आता है, अब इनमें से एक ऐसा जिला है जो नहीं आता, एक ऐसा जिला है जो इसमें शामिल नहीं है। तो अब ध्यान रखना, झुंझुनू है वो नीम सीकर संभाग में स्थित है, जयपुर में नहीं है, क्योंकि पहले वाला रट्टा लगा हुआ है ना कि सीकर झुंझुनू जयपुर में, अब उनको चेंज रखना है, अब ये जयपुर संभाग में झुंझुनू नहीं आता। देखो ये नक्शा आपके सामने पूरा का पूरा, पूरे राजस्थान के 33 जिले, और ये मैं अब संभाग की चर्चा करूं, ये देखो नक्शा मैंने आपको तैयार कर दिया, जयपुर संभाग के अंदर जयपुर आएगा, जयपुर ग्रामीण आएगा, दुदू आएगा, कोटपुतली बहरोड आएगा, दोसा आएगा, खेरथल और अलवर आएगा। ये मैप जो दे रखा है ये आपके सामने, ये रहा खेरथल तिजारा, ये कोटपुतली बहरोड, ये अलवर,
ये जयपुर ग्रामीण, ये जयपुर शहर, ये दुधु और ये दुसा। टोटल कितने जिले? 7 जिले। ये मैप आपके सामने दे दिया मैंने, इस मैप को पढ़ते रहना, देखो पूरा मैप के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। फिर आता है सीकर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है, ठीक है, 10 संभाग है, 10-12 प्रश्न ऐसे याद हो जाएंगे। सीकर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो सीकर में झुंझुनू आ गया, नीम का थाना आ गया नया जिला, और चूरू आ गया। कौन सा नहीं है? केकड़ी। केकड़ी कहाँ पे है? अजमेर में। तो ये कौन से संभाग में आ जाएगा? अजमेर में। मैप से देखो, सीकर संभाग, सीकर आ गया, झुंझुनू आ गया, नीम का थाना आ गया, चूरू आ गया, टोटल जिले कितने आ गए? 4। ये सीकर संभाग ऐसे बन रहा है, ये चूरू, ये झुंझुनू, ये सीकर, ये नीम का थाना। अब देखो, अब आगे स्थितियां क्या चेंज होगी। पहले हमने चूरू झुंझुनू पढ़ा था और सीकर पढ़ा था, किसके साथ? किसके साथ लगते? हरियाणा के साथ लगते। अब नीम का थाना भी ये लग गया, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद देखो, बीकानेर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है, बीकानेर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो बीकानेर में गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, तो इसमें चूरू शामिल नहीं है। क्यों? ये बीकानेर में पहले 4 थे, अब भी 4 जिले हैं, लेकिन परिवर्तन ये है, चूरू निकल गया, अनूपगढ़ आ गया। कौन कौन से हो गए? गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और खुद बीकानेर। मैप देखो, इस प्रकार का मैप बीकानेर संभाग का बना है, बीकानेर संभाग का, बीकानेर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। तो बीकानेर संभाग में 4 जिले आ गए, ये आपके सामने मैप। अभी एक और वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि किन राज्यों के साथ कौन सी सीमा लगती है। शाहपुरा जिला किस संभाग में शामिल किया गया है? शाहपुरा किस से अलग हुआ था? भीलवाड़ा से अलग हुआ था। अब इसको किस में शामिल किया है? कोटा में, भरतपुर में, अजमेर में, बांसवाड़ा में। शाहपुरा जिला किस संभाग में आया है? अजमेर संभाग में। इसमें अजमेर में। देखो, कोटा संभाग के अंदर 6 जिले आते हैं, नागौर आ गया, ये रहा नागौर, डिडवाना कुचामन आ गया, अजमेर आ गया, केकड़ी आ गया, ये ब्यावर आ गया, ये शाहपुर आ गया, टोंक आ गया। इस प्रकार का नक्शा अजमेर का बन रहा है, किसका? संभाग का। उसके बाद डीग, गंगापुर सिटी किस संभाग में शामिल किए गए हैं? डीग और गंगापुर सिटी किस संभाग में शामिल किए हैं? भरतपुर में, क्योंकि इलाका उसी क्षेत्र का था, जिस क्षेत्र का इलाका है उसी के हिसाब से आए हैं। तो देखो, भरतपुर के अंदर भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, गंगापुर सिटी, स्वाईमाधोपुर, 6 जिले आगे, ये देखो आपके सामने, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, स्वाईमाधोपुर और गंगापुर सिटी, कितने जिले? 6 जिले आगे, किसमें? भरतपुर के अंदर। मैप से देख लो आराम से। उसके बाद कोटा संभाग में कितने नए जिले शामिल किए गए हैं? कोटा संभाग में 1, 2, 3 या कोई नहीं? कोटा संभाग में कुछ शामिल नहीं किया है, जैसे था वैसे ही है। देख लो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हड़ौती क्षेत्र वाला जैसे था वैसे ही है। जोधपुर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है? जोधपुर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है? देखो, फलोदी, शाहपुरा, बाड़मेर, बालोतरा। जोधपुर संभाग के अंदर फलोदी जिला बन गया, बाड़मेर आ गया, बालोतरा आ गया, शाहपुरा शामिल। शाहपुरा किस में शामिल है? अजमेर। मैप में देखिए, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, बालोतरा, बाड़मेर। इसका मतलब इसमें 6 जिले और इतना बड़ा क्षेत्रफल शायद ही किसी का है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होगा ही होगा, ये तो क्लियर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग होगा। तो ये कितने? 6 जिले। जालोर, सांचौर और सिरोही को किस संभाग में शामिल किया गया है? अब ये नए वाले तो आपको याद ही रखने, बाकी सारा पुनर्गठित हुआ है तो जाहिर सी बात है। तो बांसवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, पाली, सांचौर, जालोर और सिरोही है, पाली में शामिल हुए हैं। कहाँ पे? पाली नया संभाग बन गया। ये देखो, ये पाली की कुछ स्थिति ऐसे है, पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर, ठीक है। अब देखो सीमा जब हम पढ़ेंगे सांचौर की, सिरोही की, देखो और लगने लगी यहाँ पे, ये संभाग हो गए। उदयपुर संभाग में कौन से जिले शामिल नहीं है? उदयपुर में देखो, उदयपुर शामिल है, चित्तौड़गढ़ शामिल है, राजसमंद शामिल है, सुलुम्बर शामिल है, भीलवाड़ा शामिल है, राजसमंद है ही, तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ नहीं है, क्योंकि इनका अलग से संभाग बन गया। ये देख लो, ये इस तरह कुछ, उदयपुर, सुलुम्बर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये इधर बैंसरोड़गढ़ वाला क्षेत्र भी आ गया। कितने जिले हैं इसमें? 6 जिले आगे, ये जिले आगे, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, 5 जिले आगे, ठीक है। बांसवाड़ा संभाग में कौन सा जिला शामिल है? बांसवाड़ा नया संभाग बन गया।
बांसवाड़ा शामिल है, डूंगरपुर शामिल है, प्रतापगढ़ शामिल है, चित्तौड़गढ़ नहीं है क्योंकि चित्तौड़ किस में, उदयपुर में शामिल है। तो ये आपके सामने नक्शा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ तीन जिले। इस प्रकार ये आपके टोटल 10 संभागों की मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिए, टाइप कर दिए, क्योंकि अब इनको बार बार पढ़ोगे तो अभ्यास हो जाएगा और वैसी रूटीन में वापस आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि कल जारी कर दिया, दिमाग में प्रेशर कर लिया, अब याद कैसे होंगे वैसे वैसे, इसका कोई मतलब नहीं। आप पढ़ोगे, अब निरंतर पढ़ोगे तो अपने आप रूटीन में आ जाओगे, सारे याद हो जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज है हमारी जनवरी से दिसंबर 2023 की। नाना क्लासेज ऐप डाउनलोड करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। वार्षिक करंट अफेयर्स है, आपको डेली इसमें टेस्ट मिलता है, डेली जो मैं सुबह 8 बजे क्लास लेता हूँ उसका, प्लस वीकली टेस्ट मिलता है, प्लस मंथली टेस्ट मिलता है। और मंथली की बात करें तो मंथली इसकी पीडीएफ भी प्राप्त होती है प्रिंट निकाल के। अभी जुलाई महीना, पीडीएफ डाल दी, टेस्ट डाल दिया, प्रिंट निकाल सकते हो। तो ये नाना क्लासेज ऐप में जाके मात्र 100 रुपये में पूरे साल टेस्ट मिलते हैं आपको। ये आज हमने क्या पढ़ा, संभाग के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान के जिले, और जिले के बाद इनकी स्थिति किस किस से क्या लगता है, और ठीक है। तो इस प्रकार निरंतर हम इस क्लास को लेते रहेंगे, आपके साथ बने रहेंगे। आप एक काम करना, नानक क्लासेस शिवसर नाम से नया टेली यूट्यूब चैनल है, तो इसको आप सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब करना, और नानक क्लासेस शिवसर नाम से टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना, उसकी पीडीएफ मैं वहां डाल दूंगा, बाकी सूचना वगैरह आपको मिलती रहती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।